ने जो स्क्रीन पे वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा वो था 2x2 का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगल 0.49 सेकंड्स अचीव बाय एम से, जो भी नाम आ रहा है स्क्रीन पे मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोनाउंसिएशन है लिटरली। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया था 6 साल पहले और आज तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया। और अगर आप भी यही सोच रहे थे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं टूटने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हिस्ट्री हैज़ बीन चेंज्ड। काफ़ी सालों तक लोगों ने ट्राई किया 2x2 के सिंगल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन अल्टीमेटली एक बंदे के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगल पाने का चांस आया और ये स्टोरी उसी की है। जब मैंने सबसे पहली बार सुना कि 2x2 का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि एवरेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया होगा क्योंकि वो ही था जिसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने का चांस है, लेकिन सिंगल तो काफ़ी लो था पहले से ही। तो मैं सोचा था कि ज़ेन कनानी ने ही तोड़ा होगा क्योंकि उनके पास अभी अभी उन्होंने रिसेंटली तोड़ा था 0.50 का यूरोपियन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था और ल्यूक गैरेट को भी 0.51 का सेकंड्स का सॉल्व मिला था। तो मैं सोचा था इन दोनों में से ही कोई होगा जिसने 2x2 का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं था। एंड द पर्सन हु वॉज एबल टू डू दिस टास्क वॉज नेम्ड ग्वेनबो वैंग। तो अकॉर्डिंग टू द WCA रूल्स एंड रेगुलेशंस, WCA ये कहता है अगर आपको 2x2 को सॉल्व करना है तो आपको मिनिमम 4 मूव चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा स्क्रैम्बल आता है जो 3 मूव में सॉल्व हो रहा है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, और ऐसा ही स्क्रैम्बल मिला ग्वेनबो वैंग को। जो स्क्रैम्बल ग्वेनबो वैंग को कॉम्पिटिशन में मिला था वो कुछ ऐसा दिखता था जिसमें बड़ा सा येल्लो ब्लॉक है जैसा कि आप देख सकते हो, और अगर आप ये वाला लेयर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो आपका क्यूब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 4 मूव्स में ये सॉल्व हो गया, ऐसे स्क्रैम्बल मुझे क्यों नहीं मिलते हैं। तो ये है ग्वेनबो वैंग का 0.47 वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगल। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। फाइनली 6 साल यानी कि 2443 डेज के बाद 2x2 के सिंगल का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट ही गया। वीडियो पसंद आई हो तो मेरी बाकी वीडियोस को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि मेरे चैनल में थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, ताकि मैं 1K सब्सक्राइबर्स पे गिव अवे भी रख सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।